दिल्ली में मेट्रो का सफर करना होगा और ज्यादा शानदार। डीएमआरसी शुरू करने जा रहा पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप। जाने यात्रियों को क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। दिल्ली मेट्रो हर रोज यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो एक ऐसा वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है जिससे मेट्रो का सफर और भी ज्यादा शानदार हो जाएगा। इस वर्चुअल शॉपिंग ऐप के जरिए मेट्रो में सफर कर रहे यात्री कई तरह की सुविधाएं उठा सकते हैं। आप मेट्रो से सफर करते हुए शॉपिंग भी कर सकेंगे और यूटिलिटी बिल का भी भुगतान आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने इस ऐप से ई शॉपिंग की है तो आपको आपके गंतव्य स्टेशन पर अपना पार्सल तैयार मिलेगा। इस ऐप से यात्रियों को दिल्ली मेट्रो के स्टेशन से बाइक, ई रिक्शा, कैब, फीडर बस का समय, डीटीसी बस और क्लस्टर बस रूट की बुकिंग जैसी तत्काल सुविधाएं भी मिल सकेंगी। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन की सोच के तहत दिल्ली मेट्रो ने देश में मेट्रो यात्रियों के लिए पहला वर्चुअल शॉपिंग एप्लीकेशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। मोमेंटम 2 नाम का ये मोबाइल एप्लीकेशन मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों को यात्रा के दौरान ई शॉपिंग के जरिए विभिन्न तरह के प्रोडक्ट खरीदने का मौका देगा और यहां तक कि ऑनलाइन सेवाओं को बुक करने का भी अवसर मिलेगा। सिर्फ यात्रियों को अपने गंतव्य स्टेशन को फीड करना है जहां उनके प्रोडक्ट उन्हें तैयार मिलेंगे। यात्रियों को सिर्फ अपना प्रोडक्ट कलेक्ट करना होगा। मोमेंटम 2 ऐप को यूजर्स के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है कि उन्हें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के विकल्प भी मिलेंगे और मनपसंद शॉपिंग ऑप्शंस भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही जल्द और सुरक्षित डिलीवरी के लिए डिजिटल लॉकर्स की भी सुविधा दी गई है। डीएमआरसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस ऐप में दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड के इंस्टेंट रिचार्ज के अलावा यूटिलिटी सर्विसों की स्मार्ट पेमेंट का विकल्प भी दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा के लिए इस ऐप के जरिए मेट्रो यात्री बाइक, टैक्सी, ई रिक्शा, फीडर बस, क्लस्टर बसों से जुड़ी हर जानकारियां हासिल कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने अपने बयान में कहा कि डीएमआरसी चुनिंदा स्टेशनों पर स्मार्ट बॉक्स के नाम से डिजी लॉकर इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में जहां इस ऐप के जरिए ई शॉपिंग के जरिए ऑर्डर किए गए सामान को सुरक्षित रखा जाएगा और जब संबंधित खरीदार उस गंतव्य स्टेशन पर पहुंचेगा तो वो अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सकता है। दिल्ली मेट्रो ने अपने बयान में ये भी कहा कि ये स्मार्ट बॉक्स सुरक्षित टेक्नोलॉजी आधारित पार्सल मैनेजमेंट पर आधारित होंगे जिससे प्रोडक्ट सुरक्षित स्थिति में रहेंगे। ये स्मार्ट लॉकर्स यूजर फ्रेंडली होंगे जो ई कॉमर्स कंपनियों से भी जुड़े रहेंगे। यात्री पेमेंट के आधार पर स्मार्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ये मोबाइल ऐप मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारियां उपलब्ध करवाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।